ये चंदा कानून है। आज का केस, सेवन स्टार होटल के मैनेजर मिस्टर नटराजन ने पहलवान वीरू पर यह केस दायर किया है कि वीरू ने इनके होटल का बिजनेस चौपट कर दिया है। कैसे चंदा रानी जी, ये माजरा क्या है, जरा तफसील से पेश कीजिए। मिलोर्ड, वीरू का केस मैं देख रही हूँ। क्या मेरा दत्ता का उस्त्र है? किस तरह उस्त्र? अबे किस तरह उस्त्र? ये मेरे दत्ता का उस्त्र है, इससे मैं अंग्रेजों को टकला करता हूँ। उस्त्रा लेकर आया है मेरी अदालत में, उस्त्रा लेकर आया है। मिलोर्ड, मिलोर्ड प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वो क्या है ना कि इनके दादा परदादा जो थे वो अंग्रेजों के जमाने में हेयर स्टाइलिंग सलून चलाते थे मिलोर्ड, और बस ये उनका उस्त्रा लेकर घूमता रहता है। That's it. चंद्रानी जी, परदादा का उस्त्रा है तो अपने घर में रखे, नहीं तो म्यूजियम में रखे, यहाँ लेकर आने की क्या जरूरत है? आज उस्त्रा लेकर आया है, कल दाढ़ी ब्रश लेकर आएगा, यहाँ पे सलून खोल देगा। ये अदालत है, सलून नहीं है। मिलो और थोड़ा सब्र रखिए, मैं बताती हूँ सब कुछ डिटेल में। केस तो आगे बढ़ाइए, बैठिए आप। मिलोर्ड, सेवन स्टार के मैनेजर मिस्टर नटराजन का केस मैं देख रहा हूँ, और कोर्ट से गुजारिश है कि उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है? नटराजन हाजिर हो। क्या कर रहे हो? सॉके जाओ। भाई छोड़ दो बाबू, गोलू तुमको रिस्पेक्ट दे रहा है, तुम्हारे पैर छूकर तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा है बेटा। यार फुटेज मत खाओ यार, कसम खाओ। हम कसम खा के बोलती है कि जो कुछ बोलेगी सच बोलेगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगी। थैंक यू। अरे ऐसा नहीं बोलेगी, बोलेगी नहीं इस्तेमाल करते, इस तरह मुंह नहीं खोलेगी, बोलेगी नहीं बोलेगा। विभूति इस नाइट्रोजन को समझाओ। नाइट्रोजन नहीं मिलोर्ड, नटराजन। I'm sorry, इस नटराजन को समझाओ। हाँ तो मिस्टर नाइट्रोजन, मिस्टर नटराजन, I'm sorry, आपके साथ क्या वाकया पेश आया बताइए जरा कोर्ट को। मिलोर्ड, ये वीरू सर, उसने अपने हाथों से हमारा पूरा होटल का धंधा चौपट कर दिया सर, कसम से बोलते हैं। कैसे चौपट कर दिया भाई? तुम्हारे होटल के सामने इसने ढाबा खोल दिया या फिर हेयर कटिंग सलून? जी नहीं मिलोर्ड, ये वीरू पागल है और ये हाथ उसे लेके घूमता रहता है, और इनके होटल में जो भी विदेशी टूरिस्ट आता है उसे कमरे में घुस जाता है और उसको गंजा कर देता है मिलोर्ड। ओ तेरी, गंजा कर देता है? आदमी तो आदमी मिलोर्ड, ये तो औरतों को भी नहीं छोड़ता है। तू शीश, औरतों को भी नहीं छोड़ा? या सर, सर ये वीरू सर ये हमारा होटल का 150 क्लाइंट को सर गंजा कर दिया। इसकी वजह से सर विदेशी टूरिस्ट हमारे होटल में नहीं आता सर, इसको सजा देने का सर। हाँ मिलोर्ड, मेरे पास एक ऐसा ही पीड़ित विदेशी है जिसका नाम है डार्लिंग डिसूजा। मैं चाहता हूँ कि कटघरे में उसे बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत? डार्लिंग हाजिर हो। डार्लिंग अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहा है, अपनी बीवी को बुला रहा है। डार्लिंग हाजिर हो। अरे पूरा नाम बोल। डार्लिंग डिसूजा हाजिर हो। देखा, अंदर अंदर उस्त्रा। आज हम कुछ नहीं खाएगा, हमारा मूड बहुत खराब है। गोलू रहने दे, बिचारे का मूड बहुत खराब है, तुम रहने दे बेटा, रहने दे। ओके मिलोर्ड। हाँ तो मिस्टर डार्लिंग डिसूजा, आप बताइए कोर्ट को कि आपके साथ क्या हुआ। There's danger man. That night came to my room. चुपके से हमारा रूम में आया और हमारे वरदाजे पर नहीं, दरवाजे पर दरवाजे पर ओके, और हमारे दरवाजे पर हौले से मस्तक दिया।
मस्तक नहीं, दस्तक, दस्तक। Whatever it is, इसने हॉलर से दस्तक दिया। फिर हम दरवाजे खोले। कितने दरवाजे खोले? 100 दरवाजे खोले मिस्टर गोले? No, एक दरवाजा था जो खोले। फिर बोलो खोला, खोला। मिलॉर्ड, कोर्ट खत्म होने के बाद भी आप इनको हिंदी सिखा सकते हैं मिलॉर्ड? अभी बोलने दीजिए प्लीज। ओके, बोली, बोलू, शोलू, बोले, बोलो। कंटिन्यू? या कंटिन्यू, यस। फिर ये डेंजर मैन अपने ऐसे ही हाथ में पकड़ा हुआ कुल्हाड़ी के साथ हमारे रूम में आया और हमारा हमारा गोल्डन हेयर काट डाला और हमको ऐसा हकला कर दिया। हकला नहीं, टकला कर दिया मिलावट, टकला कर दिया। सही माइक गोल्डन हेयर ईच। मिलॉर्ड, आज इसने किसी के बाल काटे, कल वो गला भी काट सकता है मिलॉर्ड। He's a very dangerous man. Who will take the responsibility? You or Chanda Rani? Who will take the responsibility, Milord? Keep it inside your cap, okay? Andar. Okay. Milord, इन्होंने अभी कहा कि मेरे क्लाइंट ने इनके सर पे कुल्हाड़ी मार के इन्हें टकला कर दिया, जबकि मेरे क्लाइंट तो कुल्हाड़ी नहीं उस तरह लेकर घूमते हैं। I know, Chanda Rani जी, लेकिन इस बार ये अदालत आपकी बात नहीं मानेगी। क्यों मिलॉर्ड? क्योंकि ये अदालत जानती है कि ये अंग्रेज जो है सिर्फ अंग्रेजी जानता है, इसकी हिंदी थोड़ी वीक है, इसलिए ये कुल्हाड़ी को उस तरह कहता है, उस तरह को कुल्हाड़ी कहता है। आई एम राइट डिसूजी डार्लिंग? यस, आपका बहुत बहुत औरंगाबाद। औरंगाबाद, औरंगाबाद मतलब धन्यवाद मिलॉर्ड, थैंक यू बोल रहे हैं आपको। हाँ हाँ भाई, हमारा भी आपको हैदराबाद। आपका बहुत बहुत इलाहाबाद। अच्छा, तो आपको बहुत बहुत हैदराबाद, अहमदाबाद, जहानाबाद, सिकंदराबाद, धनबाद, सिंधबाद। ये क्या क्या कर रहे हैं आप, कर क्या रहे हैं मिलॉर्ड? ये बात, ये खुराफात बंद कीजिए मिलॉर्ड। अंताक्षरी खेल रहे हैं आप, ये कोर्ट है, आप कोर्ट का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। यू आर वेस्टिंग कोर्ट टाइम योर ऑनर, दिस इज नॉट डन। या इट्स ओके, दिस इज माय कोर्ट, व्हाट आई वांट टू डू आई विल डू मिस्टर विभूति नारायण। ऑलराइट, सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, ये क्या हो गया आज आपको? मिलॉर्ड, आप मेरी दलील के बगैर ही फैसला सुनाने चले थे? आई थिंक यू नीड अ ब्रेक। चलिए ब्रेक लीजिए, चलिए। ऑलराइट, ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। हेलो, हेलो बहुरानी। सासू माँ, पाय लागू। कैसन हो बहुरानी? हम ठीक बा सासू माँ, आप कहीं, आप कैसन बा? बस ठीक है बिटिया। बहुरानी, तुम दोनों की हमको बहुत याद आ रही है, तो यही खातिर हम कुछ दिन तुम दोनों के साथ रहने के लिए आ रही हैं। है? हम दोनों के साथ? हाँ बिटिया। अच्छा एक बात बताओ, विभूति तुमको ठीक से तो रखता है ना? ना। का? हाँ, हाँ। हम समझ गए, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम आ रहे हैं ना बुधवार को, जे लल्ला को तो हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। हाँ लेकिन बुधवार को आ रही है, क्यों काहे टपक रही है? अम्मा का फोन आया था। जब मालूम चला तब चलना, लेकिन अभी क्यों? लेकिन क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है मेरे पास, रास्ता है। देखो क्या है कि जब तक अम्मा यहाँ रहेंगी ना, और मैं और तुम एक साथ रहते हैं कुछ दिनों तक, जस्ट फॉर वाइल। इम्पॉसिबल, मैं उस छत के नीचे दोबारा कभी नहीं रह सकती जिस छत को मैं छोड़कर आ चुकी हूँ। वो छत नहीं रही है? तुम सड़क पे आ गए हो? नहीं नहीं, मैं छत बदल गई है, मतलब मैंने 303 से 304 में शिफ्ट कर लिया है। योर फेवरेट फ्लैट, यू नो, रिमेंबर, यू स्टिल लाइक द फ्लैट। छत बदलने से तुम नहीं बदल जाओगे विभूति, समझे? मैं भी
मैं भी बदल गया हूँ चंदा रानी, मैं भी बदल गया हूँ, सीरियसली बदल गया हूँ। इम्पॉसिबल, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। प्लीज डोंट डू दिस, तुम्हें मालूम है मैं अपनी अम्मा से कितना प्यार करता हूँ, I love her so much, don't do this to me। हाँ मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है कि तुम अपनी अम्मा से कितना प्यार करते हो, सिर्फ अम्मा से। देखो मेरी बात सुनो, प्लीज डोंट डू दिस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हारे नो 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 नेवर, प्लीज 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 आई बेग यू, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डोंट डोंट, व्हाई यू डूइंग दिस, स्टॉप दिस मेलोड्रामा विभूति, प्लीज सोचूंगी, ओके ऑलराइट, यस कम ऑन, सोचूंगी कहा है, हाँ नहीं कहा, सोचूंगी, सिर्फ सोचूंगी, प्लीज सोचना जरूर, प्लीज प्लीज, अम्मा 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 अम्मा, कभी चंदा चंदा भी कर लिया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। वैसे ये अम्मा को आज मुझ पे इतना प्यार कहां से आया? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलो, अब मैं अपने क्लाइंट वीरू को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है? वीरू हाजिर हो। ये मेरे दादा का उस्तरा है। शट अप। अंदर रख, तेरी हिम्मत कैसे हुई चंदारानी जी के बाल काटने की? उधर जाके खड़े हो जाओ, चलो चुपचाप कटघरे में खड़े हो जा। तुझे बता कि तू अंग्रेज है या इंडियन? इंडियन। लेकिन मुझे तू तो अंग्रेज लग रहा है। मुझे तो तू जनरल डायर का पोता लग रहा है। अभी टकला करता हूँ मैं। नहीं छोड़ दे, एक छोड़ दे वीरू, शेंडी छोड़। अरे उसकी शेंडी देखकर ही तो लड़की ने इसके साथ शादी करने के लिए हाँ कही है। अरे वो शेंडी कट जाएगी तो बेचारे की ताकत निकल जाएगी। भाग, बोलो भाग बेटा भाग। चंदा रानी जी, ये कैसे अजीब और गरीब इंसान को आप लेकर आई? इसका प्रॉब्लम क्या है? उनका एक सलून हुआ करता था मिलोट, जिसका नाम था अनोखे लाल हेयर स्टाइलिंग सलून। अनोखे लाल मेरे दादा का नाम था। वो बड़े ही अनोखे इंसान थे। उनके सैलून में बड़े बड़े अंग्रेज बाल कटाने के लिए आया करते थे। एक बार एक अंग्रेज आया जिसका नाम रॉबर्ट टिमेलो था। मेरे दादा बड़े शरीफ आदमी थे। उनकी शराबत का फायदा उठा करके उस अंग्रेज ने उनके कोर्ट में एक प्रस्ताव डाल दिया। कैसा प्रस्ताव? मिलोर्ड, उन्होंने इनके दादा से कहा कि जिस जमीन पर उनका सलाह बना हुआ है, अगर वो ये जमीन उन्हें दे दें, तो वो जमीन पर एक शानदार होटल बनाए और फिर उस होटल के अंदर इनके दादा को एक बढ़िया सा हेयर स्टाइलिंग सलाह बनाकर देंगे। के? और मेरे दादाजी उस अंग्रेज के लालच में आ गए, क्योंकि वो बहुत बड़े लालची थे और उन्होंने अपनी जमीन और पूरा सैलून उस अंग्रेज के नाम कर दिया। और मिलोर्ड, उसके बाद उस जमीन पर बन गया एक बहुत बड़ा होटल। होटल बनने के बाद जब इनके दादा उस अंग्रेज के पास गए, तो उन्होंने सलून देना तो दूर, इनके दादा को पहचानने तक से इनकार कर दिया। मिलोर्ड, साफ इनकार कर दिया। क्या? नहीं नहीं मिलोर्ड, जब मेरे दादाजी ने इस बात का उस अंग्रेज से विरोध किया, तो उस अंग्रेज ने इसी उस तरह से मेरे दादाजी को टकला कर दिया। क्या बात करते हो? और टकले होने के बाद में मेरे दादाजी पागल हो गए। सुना आपने मिलोर्ड, कितनी दुख भरी दास्तान है इसकी और इसके दादाजी की। आप ही बताइए, अगर किसी इंसान से उसकी रोजी रोटी छीन ली जाए और उसी रोजी रोटी के हाथों यानी उसी उस्तरे से उसका सर भी साफ कर दिया जाए, उसे टकला कर दिया जाए, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी मिलोर्ड? इसीलिए वो बेचारे पागल हो गए। अब ये हुआ कि नहीं एक बहुत बड़ा अन्याय, पाप, जुर्म? अरे बहुत बड़ा जुर्म है चंदा रानी जी। अगर मैं इस वीरू की जगह होता तो मैं भी उस्तरा लेकर घूमता और सारे अंग्रेजों को टकला कर देता। बस मिलोर्ड, मैंने तब से कसम खाई कि जिन अंग्रेजों ने मेरे दादाजी को टकला किया था, उन अंग्रेजों का मैं चुन चुन के टकला करूंगा। ऑब्जेक्शन मिलोर्ड, अगर इनको अंग्रेजों को टकला करने का इतनी शौक है तो ये लंदन जाए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ भी जाएंगे विभूति नारायण जी, लंदन तो क्या, ये पूरी दुनिया में जाएंगे। इनका फ्यूचर प्लान यही है, लेकिन सबसे पहले हमारे देश में आकर जमे हुए अंग्रेजों को सर को तो साफ कर दें। मिलोर्ड, बस अब बहुत हो गया, मेरा क्लाइंट कब से तरस रहा है इंसाफ के लिए, अब बस इसके साथ इंसाफ कीजिए ताकि इसे चैन पड़ सके। दैट्स ऑल मिलोर्ड।
यस चंदा रानी जी, इसे न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वीरू के दादा के साथ अन्याय हुआ था। लेकिन वीरू बेटा, जिस अंग्रेज ने तुम्हारे दादा को टकला किया था वो तो कब का मर चुका है। अब उसके बदले में तुम हर अंग्रेज को टकला करने लगोगे तो अंग्रेज हमारे देश में आना बंद हो जाएंगे, जिससे हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अदालत तुमसे गुजारिश करती है कि मेहरबानी करके हमारे देश में आने वाले हर अंग्रेज को आप छोड़ दो, उन्हें टकला मत करो। और अदालत इस नाइट्रोजन को, मिलॉर्ड नाइट्रोजन नहीं नटराजन, आई एम सॉरी, अदालत इस नटराजन को हिदायत देती है कि अपने अंग्रेजी बॉस को यहाँ बुलाए और उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि हमारे वीरू को अपनी 7-स्टार होटल में एक अच्छा सा सलून खोलने की इजाजत दे, ताकि हमारा वीरू जो है अपने दादा का उस्तरा सही तरीके से इस्तेमाल करे। द कोर्ट इज अजर्ड। मिलॉर्ड आप कितने अच्छे हो, कितना अच्छा प्रणाम सुनाया है। मिलॉर्ड ये हमारे दादाजी का उस्तरा है, आपकी फ्री में हजामत बनाएंगे। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं बेटा, मेरे पास मेरे दादा का उस्तरा है जिसे मैं अपनी हजामत करता हूँ। हजामत करूंगा, बाहर मिल। हेलो हेलो बहुरानी, हम बोल रहे हैं। सासू माँ बोलिए। तुम्हारी बात हो गई ना लल्ला से, हम आ रहे हैं बुधवार को। हाँ हाँ बात हो गई हमारी, बताइए कौन सी गाड़ी से आ रही है। वो तुम्हारे घर 312 नंबर की बस आती है ना। हैं 312? आप पटना से 312 नंबर की बस में आ रही है? ओह गॉड, मैं क्या बोल गई। हाथ रखिए इसको, आपको इंफॉर्माइज करने को किसने कहा था, जो लिखा वो बोलिए ना, वो एक्टिंग कर रही है। बोलती 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 पढ़ के बोलिए। बहुरानी तुम दोनों को एक साथ देखन के वास्ते ही तो हम जिंदा हैं। बस कुछ दिन तुम दोनों के साथ रह ले, अपने पोते को गोदी में खिला ले, फिर हमेशा के लिए हरिद्वार चले जाएंगे हम। हरिद्वार कहे, आप कहे तो आपको सीधे बैकुंठ धाम पहुंचा दे हम सासू माँ। तो बाबा पापू पीपू मामा मैं नकली माँ के असली बेटे।